Welcome to online maths class. Hope you all fine. So today I will teach you find the area of triangles. Okay? आज हम क्या पढ़ेंगे? Triangles का area find करना सीखेंगे. Okay? So look at this. आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? These are rectangle. So rectangle के अंदर क्या बने आपके? Two triangle बने हैं. This is and this is. Okay? Two triangle बने हैं. टू ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है एंड फर्स्ट वाले का तो आपको निकाल के दे रखा है आपके बुक में दे रखा है एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल ये पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एंड और जो ब्लू वाले का आपका एरिया बता रखा है द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल मीन्स हाफ ऑफ 20 So 20 divided by 2, answer will be 10 centimeter square या 10 square centimeter. So इस first वाला जो ये blue वाला आपकी book में इसको blue से indicate बना रखा है और इसको आपको red से बना रखा है okay? So इस blue वाले triangle का जो आपका area निकला 10 centimeter square निकला and अब आपको किसका निकालना है? Red triangle का निकालना है okay? So इसको अलग से यहाँ पे बना दिया है. Look at this. अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे इस पूरे रेक्टेंगल को इस बिग रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ओके फर्स्ट पार्ट इज यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका ओके और सेकंड पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और आपके बुक में इसको ऑरेंज कलर से शो कर रखा है और इसको ग्रीन कलर से एंड लुक एट दिस जो इस जितना हमने डिवाइड किया यहाँ तक इसके अंदर जो हमारा शेप बना है ट्राइंगल का वो ट्राइंगल क्या बना क्या है हाफ है किसका हाफ है इस बिग रेक्टेंगल जो ये रेक्टेंगल है इतने का ये हाफ है ओके सो हम क्या करेंगे इस रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालेंगे इसका हाफ करेंगे तो हमें इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड हो जाएगा ऐसे हम क्या करेंगे इसमें इस पूरे रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे उसके बाद उसका हाफ करेंगे तो हमें इस पार्ट का भी हमें एरिया पता चल जाएगा फिर हम लास्ट में क्या करेंगे इसका भी और इसको भी हम दोनों को ऐड कर देंगे सो हमें पूरे ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा सो लुक एट दिस फर्स्ट राइट हियर एरिया ऑफ द ऑरेंज रेक्टेंगल कौन सा आपका ये यहाँ से यहाँ तक ओके सो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे ये दिस इज रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रिथ सो काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 इज राइट हियर एंड 1 2 3 3 इज राइट हियर सो 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये किसका निकल गया हमारा इतने रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकल गया एंड एज यू नो दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल सो एरिया ऑफ द ऑरेंज पोर्शन ऑफ ट्राइंगल ऑरेंज पोर्शन वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ और 12 हाफ और 12 सो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके सो इस पार्ट का हमारा कितना निकल गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर नाउ नेक्स्ट इज ये आपका कौन सा है ग्रीन वाला रेक्टेंगल है सो एरिया ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 इज राइट हियर एंड 1 2 2 इज राइट हियर सो 4 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके सो इस पूरे इतने का एरिया कितना निकल गया आपका यहाँ तक का 8 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल गया अब आपको निकालना है ओनली इस पोर्शन का सो वी कैन राइट एरिया ऑफ द ग्रीन पोर्शन और ट्राइंगल ओके सो हाफ और 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सो हमारा इसका कितना निकल गया 4 और इस वाले पोर्शन का निकला आपका 6 और इस वाले पोर्शन का निकला 4 अब हमें पूरे टोटल इस पूरे ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है सो हम क्या करेंगे 6 को 4 में ऐड कर देंगे ओके एंड वी कैन राइट एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल सो ये हमारा क्या है रेड कलर का ट्राइंगल है सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सो इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और इस ट्राइंगल का भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया यानी कि आपकी जो ये रेक्टेंगल था इसके अंदर 2 ट्राइंगल बने थे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का क्या निकला आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट वाले का यहाँ निकला और सेकंड वाले का यहाँ पे सो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay?